माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। इधर जो एग्जाम था वो भी निकल गया है, डिग्गी भी अब सही खुल रही बंद हो रही है। तो ये जो थोड़े से एरिया है ये पॉलिश हो गए, कितना साफ लग रहा है। फ्रेंड्स पिछली दिन हमारे पास बिल्ली नहीं आई थी, आपने अगर उसका ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा, पर वो भाग गई। और फ्रेंड्स जब वो भागी है ना, उसके बाद मैंने देखा है अभी हम पिछली गली में खेलने गया था अपने दोस्त के साथ, उधर ना वो बिल्ली किसी तीन लड़कों के पास है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज है ट्यूसडे और अभी सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, दिन का टाइम है। अभी मैं स्कूल से आया हूँ और मैं तैयार भी हो गया हूँ, मतलब कि मैंने दिन का खाना अभी तक नहीं खाया, वापस आया हूँ, नहाया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं और बाहर आया हूँ। तो वैसे तो कहता हूँ बड़ा अच्छा मौसम है, पर आज तो सख्त धूप हो रही है बाहर, इसीलिए आज ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रुक पाऊँगा। और मुझे सख्त जुकाम हुआ है, जिसकी वजह से मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। और तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो गाड़ी है हम लोगों की, उसके साथ क्या हो गया था, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया था, तो हम डेंट निकलवाने के लिए और पेंट करने के लिए दी थी बम्पर वगैरह। तो ये देखें हमारी गाड़ी बिल्कुल सही होके वापस आ गई है, ये डेंट भी निकल गया है, ये लाइट्स भी नहीं लगी और ये पॉलिश भी हो गई है। तो अभी ना वैसे हम लोग का प्लान है कि देखिए ये जो थोड़े से एरिया ये पॉलिश हो गई, कितना साफ लग रहा है। हम लोगों का प्लान है कि हम ना पूरी की पूरी गाड़ी को ना, मतलब कि वापस पॉलिश करवाएं, ताकि जो है ना कि गाड़ी और अच्छी लगे, क्योंकि और बल्कि हम लोगों ने जिनसे करवाया वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मतलब उनने प्राइस भी सही थी सब चीज़ों की, तो अच्छे उनने सही तरह से सारा काम भी किया है, बल्कि इसके अलावा भी और एक दो काम थे गाड़ी में उनने, वो भी कर दिए और उसे वैसे कोई नहीं लिए, मतलब ये फ्री में ही कर दिया। तो अभी हमारी गाड़ी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। इधर जो एग्जेंट था वो भी निकल गया है, डिग्गी भी अब सही खुल रही बंद हो रही है, और इसके अंदर से वो जो मैंने आपको दिखाया नहीं था लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो फटा रखते हैं, फटा क्या कहते हैं जो भी रखते हैं, वो भी सही हो गया है। लेकिन एक बात तो है, लेकिन जब हमारे पास एक दिन तक गाड़ी नहीं थी हमारी, तो कोई भी काम करते हुए हालत ख़राब हो गई। इधर से पैदल इतने दूर, हम लोग पहले दूध लेने जा रहे थे, फिर हम कभी पंजाब स्टेशन कह रही है वो भी अच्छा खासा दूर है, उधर भी हम लोग गए हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगा है जाने आने में, बल्कि ऊपर से थक भी गए, क्योंकि हम लोगों ने इतनी वॉक तो खैर करते नहीं हैं, अपनी गाड़ी है ज़्यादातर उसी में काम हो जाता है। तो फिर मतलब कि एक चीज़ यह तो समझ आ गई, लेकिन घर में ना एक एक्स्ट्रा बाइक होना चाहिए जो कि ना इन कामों के लिए हो, मतलब कि जैसे हमारी गाड़ी को ये हो गया था, पता नहीं इसी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, तो हमने सोचा कि एक बाइक होना चाहिए। चले फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये फ्रेंड्स मेरे कमरे में आया, घर में तो ये थी नंबर यूसरा, हेलो मम्मा को देख लिया ना भैया, क्या कर रही हो आप अंदर, दूर 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 क्या कर रही हो, ओ पागल हो गई ओ पागल। फ्रेंड्स ये बेड़ा पड़ी हुई है स्कूल से आते साथ, नमाज पड़ी है और ये ना भी आड़ू कटवा के लाए थे, वो भी उन्हें एक गोभी से खाया, और मुझे तो मेरा तो पेट ही फुल हो गया, और मुझे बहुत नींद आ रही है, तो रेस्ट करने को फ्रेंड्स। अभी दिन के खाने में पुलाव बना है, मम्मा ने बनाया है, हर वक्त चावल बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरा दिन का खाना आ गया है, चलिए फ्रेंड्स ट्राई करते हैं कैसे बने हैं, देखने में तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। है भी चिकन पुलाव है, वैसे ना भी कभी चिकन पुलाव है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स अभी दिन का खाना खाने के बाद मैं सो गया था और उठा तो फिर लाइट चली गई थी, और लाइट गई है तो अभी 9 बजे आ गई है वापस, और अभी तो हम लोग बस बोर ही हो रहे हैं, अभी अभी लाइट आई है, अभी खाना भी खाना है। और फ्रेंड्स गाड़ी से हो जाने के बाद अब तो हम दादा को अकेले गाड़ी नहीं चलाने देते, कहीं भी जाना होता है तो फिर दादा को या तो फिर बाबा हमारे साथ जाते हैं, और अब हम उनको अकेले चलाने भी नहीं देंगे, क्योंकि जो उनने ऐसे ही उनको फिर चक्कर आ गए, फिर क्या हो, हम तो गए फिर है ना भैया। फ्रेंड्स इस तो बहुत खुश हुई हुई है, बार बार कैमरे में आके देख लिया, बोल गया कि मुझे कैमरे में आना है। और नाबिया आप क्या कह रही थी, आपने गाड़ी चला के दिखानी है, चलाओ चलो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये नाबिया चला के दिखा रही है, हो गई क्या आ गई
हाँ फ्रेंड्स, अभी शुक्र है बाहर थोड़ी बहुत हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये हमारी गाड़ी बिल्कुल सही हो गई। अभी हम लोगों का आपको जैसे कि बताया था कि प्लान है इसको फुल पॉलिश करवाएं ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए। पहले ना इसकी लाइट्स के भी ना ये जो ग्लास हैं ये टूटे हुए थे, तो अभी हम लोगों ने ये भी पूरे के पूरे नए लगवा लिए हैं। यही उत्साह और बल्कि ना इसके दोनों साइड के शीशों के ग्लास टूटे हुए थे, हम लोगों ने वो नए लगवाए हैं। मतलब कि हमारे और भी काम हो गए हैं। और ना इधर आगे से ये इधर से भी ना कलर उतरा हुआ था, मतलब डेंट पड़ा हुआ था, तो वो भी सही हो गया। और अभी बस रात के खाने का टाइम हो रहा है। अभी यही प्लान होगा कि रात के खाने में क्या खाना है। फिलहाल तो कुछ नहीं पता, कुछ अभी तक खाने में पका नहीं है। लाइट गई भी थी तो इसीलिए मम्मा भी कुछ कर नहीं पाई किचन में जाके। तो फिर अभी देखते हैं कि रात के खाने में क्या खाते हैं। मैं तो अभी वैसे ही कुछ इतना टाइम नहीं, 9 बजे हैं, फिर सोना भी है, सुबह स्कूल है, ऊपर से स्कूल के लिए उठना पड़ता है। पहले तो फजर की नमाज़ के लिए 5 बजे, उसके बाद 7 बजे वापस, इसीलिए फिर जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी कहते हैं सिर्फ, सोते हम फिर भी 12:30 बजे हैं, 12:30 बजे जाके सोते हैं। ये तो रात की 2-2 बजे तक बैठ पी भी लाउंज में फिर रही होती है अकेली। अभी बस फिर चलें देखते हैं क्या खाने का सीन है, क्या पता बाहर से कुछ खाना पड़े। बाहर से आने को छोड़ो, इतने पैसे खर्च होते हैं, कभी कभी चीज़ें भी अच्छी नहीं आती। फ्रेंड्स, पिछली दिन हमारे पास बिल्ली नहीं आई थी। आपने अगर उसका ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि जब भी वो इधर की फेरी होती थी, यूसरा जाके उसके पास जाती थी, वो पे कितने खुश होती थी। ये अभी भी आ रही है पर वो भाग गई है यूसरा। और फ्रेंड्स, जब वो भागी है ना, उसके बाद मैंने देखा है अभी ना पिछली गली में खेलने गया था अपने दोस्त के साथ, उधर ना वो बिल्ली किसी तीन लड़कों के पास है। वो बिल्ली मतलब कि वो वापस भी नहीं दे रहे, मतलब कि हमने बोला कि ये हमारी, हमारे पास होती थी, वो कहते हैं कि ये लेकिन अब ये हमारे पास आ गई तो हमारी। हमने भी कहा चलो लेने दो, हम लोग वैसे भी क्या उसका करना है, हम लोगों ने बिल्ली का वैसे हमारे साथ कभी कभी खेल लेती थी, उसके अलावा हमारा दूध बोटियाँ वही खा जाया करती थी। हमें क्या शौक है भाई, ऊपर से दादा तो हम लोगों को रखने भी नहीं देते बिल्लियाँ। दादा तो पहले कहते थे, दादा तो बिल्कुल नहीं रखने देती, वो कहती है ना ये वाली जो बिल्ली है ना इसी से काम चलाओ, इस बिल्ली से काम चलाओ। और लाबिया को भी बिल्ली कहती है इसको भी, और बल्कि यूसरा को तो बोलती है मेरी बटरफ्लाई है। और फ्रेंड, ये बेला आ गई। तुम कहाँ थी पूरा दिन आज? सो रही थी? नहीं, मैं सो भी रही थी। मैंने नाथ कॉम्पिटिशन होने वाले स्कूल में तो नाथ भी लिखी है। हैं? होने वाला? हाँ, मुझे तो नहीं बताया किसी ने अभी। में होगा, अभी आने वाला है। हाँ, मुझे फिलहाल ना अभी किसी ने नहीं बताया, वरना मैं भी पार्टिसिपेट करता। फिर जब बताएंगे तब कर लेंगे। पिछली दफ़ा तो मेरी 3rd पोजीशन आई थी नाथ कॉम्पिटिशन में, और मेरी एक दफ़ा और इसकी ना फर्स्ट अक्टूबर में मेरी बर्थडे भी आने वाली है। मेरी ये जो साइकिल है ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी छोटी हो गई है, मतलब वो भी थोड़ी पुरानी गई है। तो फिर मैं ये वाली साइकिल पता नहीं इधर ही हो क्या पता बेला ले रहे, मैं तो मेरी नई साइकिल आएगी मेरी बर्थडे पे, बाबा मेरे लिए लेके आएंगे नई साइकिल। मुझे आदत हो गई है साइकिल चलाने की, पहले मुझे आती नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे ये प्लान बना है कि रात के खाने में हम लोग खाएंगे ऑमलेट पराठा। तो फिर अभी बस मैं वही लेने जा रही हूँ ऑमलेट पराठा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सब की सबको बहुत अच्छा लगता है, बेला को भी बहुत अच्छा लगता है। और अनाविया को तो बस अन्ना पराठा चाय चाहिए होता है, अन्ना पराठा चाय। मेरा एक अंडा टूट भी है, एक अंडा ही टूट गया रास्ते में, नजर नहीं आ रहा टूट गया। ये तुम्हें मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये कम हो गया मम्मा, ये अंडे टूटे हुए हैं। टूटा हुआ जो है उसको देना। नहीं, मुझे खाते हो ना मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा अंडा पराठा आ गया, ऑमलेट पराठा हो जाए, तो चले चेक करते हैं कैसा बना है। वैसे तो हमेशा की तरह मम्मा ने बहुत ही अच्छा बनाया होगा, बहुत गर्म है अभी तो। और ये टूटा हुआ अंडा इब्राहिम को दिया गया है, क्योंकि ये टूटा हुआ है अभी, थोड़ा कम हो गया, दौड़ के लाया था। मैं क्या करूँ, साइकिल पे इतने लगते हैं वो, साइकिल पे इतने वो इसको झटके लगते हैं अंडों को, जंप्स। हाँ, तो चलो फ्रेंड्स फिर ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंडा पराठा बहुत मजे का है, वैसे अंडे के अंदर ना थोड़ी मिर्चें ज़्यादा हैं, उसका मज़ा और ज़्यादा आ रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स, अभी रात का खाना खा लिया है, आपको पता है हम लोग ने अंडा पराठा खाया है, तो बहुत ही मज़ा आया है अंडा पराठा का। तो बस फिर अभी बहुत रात भी हो गई है, मैंने कहा था ना हम लोग सोते फिर भी लेट ही हैं, 11:30 हो रहे हैं और अभी करते करते 12:30-1 तो बज ही जाएगा। ये बेला भी फिर ये अभी तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। ये वाओ, तो ठीक है फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा आने वाला हर नया व्लॉग वक्त पर मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।